नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स की कि द कश्मीर फाइल्स अपने 17 दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना नेट कलेक्शन करने जा रही है, और दोस्तों आज ये फिल्म कौन सी फिल्म का रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं द कश्मीर फाइल्स जिसने पहले दिन मात्र 3.55 करोड़ रुपए का इंडिया में नेट कलेक्शन किया था और 15 से 18 करोड़ रुपए इसका बजट है, उस फिल्म ने कितना धमाल कितनी सुनामी बॉक्स ऑफिस पे लेके आई थी, इससे आप परिचित ही है। दोस्तों इस फिल्म का दूसरे हफ्ते का कलेक्शन अपने पहले हफ्ते से भी ज्यादा रहा था। पहले हफ्ते में जहां इसका कलेक्शन 90 करोड़ रुपए था, वहीं दूसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन 110 करोड़ रुपए इंडिया नेट रहा। और दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के मामले में इस फिल्म ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। दोस्तों इस फिल्म से आगे दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के मामले में केवल दंगल तथा बाहुबली 2 ही रही थी। इसके अलावा बाकी सभी फिल्में जितने भी बॉलीवुड की फिल्में रिलीज हुई है उन सबको इसने दूसरे हफ्ते में कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया था। और दोस्तों जहां तक ये कहा जा रहा था कि RRR के रिलीज होने के बाद में कश्मीर फाइल्स के कलेक्शन बिल्कुल बंद हो जाएंगे, कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। कलेक्शन जरूर ड्रॉप हुआ है क्योंकि ज्यादातर स्क्रीन सब RRR के पास है, लेकिन फिर भी अभी भी ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में करीब 3000 से ज्यादा सिनेमा हॉल्स में दिखाई जा रही है। और दोस्तों भारत में भी करीब 2800 थिएटर्स 2800 स्क्रीन पे ये फिल्म अभी चल रही है। दोस्तों जहां इसका कल का कलेक्शन करीब 7.03 करोड़ रुपए रहा, वहीं दोस्तों आज मतलब 17 दिन फिल्म करीब 9.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने जा रही है। तो दोस्तों अगर कल तक के इसके इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो करीब 219 करोड़ रुपए हो गया है, और अगर आज का कलेक्शन इसमें ऐड कर दे तो 229 से 228 करोड़ रुपए के आसपास इसका 17 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसके ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज का कलेक्शन इसका 29 करोड़ रुपए रहा है, और अगर भारत के ग्रोस कलेक्शन की बात करें कि भारत में इसने फिल्म ने कितना ग्रोस कलेक्शन कर लिया है तो 255 करोड़ रुपए के आसपास इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो गया है। और दोस्तों यही नहीं, अगर इसके वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों 17 दिनों का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 299 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक हो जाता है। मतलब ये आज 17 दिन ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है, और दोस्तों उन गिनी चुनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनमें बहुत कम फिल्में पहुंच पाती है। तो दोस्तों आज ये फिल्म डेफिनेटली अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशी का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 294 रुपए रहा था, तो आज ये फिल्म डेफिनेटली इस आंकड़े को पार करने वाली है। तो दोस्तों कश्मीर फाइल्स अभी भी अच्छा कलेक्शन कर रही है और अभी ये फिल्म थिएटर से उतरने वाली नहीं है, और दोस्तों बिलीव कीजिए कि ये फिल्म अभी और भी बहुत सारे कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।